हम सब लोग अपने इष्ट देव को याद करेंगे और इस इष्ट देव को याद करते ही हम और आप सब लोग भगवान के चरणों में अग्रिम जो हमारा क्रम है गोपी गीत का वहां तक हमें पहुंच जाएगा। वसुदेव सुतम देवम कंस चारुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु वराहा पीडं नटवर वपुः कर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। सबसे पहले भगवान को स्मरण करते हुए हम परमात्मा के नाम उच्चारण को अपने साथ रखें। अपने सद्गुरु के चरण कमलों को ध्यान करते हुए उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम और आप निश्चित ही उस परात्पर परब्रह्म परमेश्वर की शरण में चलेंगे, जहां पर बैठकर हम और आप सब मिलकर उस परम पवित्र गोपी गीत की चर्चा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप जहां पर हैं जैसे भी हैं बोलते रहेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे रामा 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 हरे हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आप सभी लोगों को हम देख पा रहे हैं और आप लोग हमें देख पा रहे हैं। कल जिस तरह लोगों को संदेश भेजा गया, आज वो संदेश नहीं भेजा। उसके पीछे हमारे जो शुभ चिंतक हैं उनका कहना यह है कि जिनको प्यास होगी वह बिना बुलाए अपने आप हमारे साथ आते चले जाएं। तो शनै शनै आज द्वितीय दिवस गोपी गीत का, और इस गोपी गीत कार्यक्रम में भगवान के चरणों में भक्तों की विरह वेदन। भगवान जब जीव के ऊपर अनुग्रह करते हैं तो पहले भगवान भक्तों को अपना प्रेम प्रदान करते, और उसके बाद जब प्रेम मिल जाता है और उस प्रेम की कीमत साधक नहीं करते तो फिर परमात्मा उनके पास से यह कृपा थोड़ी कम कर देते हैं, अपने आप को उनसे दूर कर देते। जैसे ही भगवान उनको दूर कर देते हैं तो फिर भक्त व्याकुल होकर के भगवान को याद करता है, पुकारता है, और जब भगवान को पुकारता है तो भगवान फिर अपनी अहद की कृपा से उस साधक को, उस भक्त को अपने पास बुला लेते। बस यही भगवान का सुंदर प्रेम, इसको भगवान की लुका छिपी कहा जाता। भगवान भी भक्तों के ऊपर लुका छिपी का खेल करते हैं। तो जब भगवान भक्तों के साथ लुका छिपी का खेल करते हैं तो भक्त भी भगवान के साथ कभी कभी लुका छिपी का खेल करते हैं। तो ऐसे हम लोग गोपी गीत में कल प्रथम श्लोक को स्पर्श किया, और उसमें भगवान को गोपिकाओं ने प्रार्थना की। भगवान गोपिकाओं से कह रहे थे कि तुम लोग इतनी रात में बिना बात के यहां आना तुम्हारा कैसे हुआ। तो जब गोपिकाओं से पूछा कि तुम्हें यहाँ आना कैसे हुआ तो गोपिकाओं ने भगवान से कहा, प्रभु हम आए थोड़ी हैं। भगवान ने कहा, फिर बोले हम तो बुलाए आए नहीं हैं अपितु बुलाए गए हैं। तो जब भगवान से कहा कि हम बुलाए गए हैं आए हुए हैं, तो भगवान ने कहा अगर तुम बुलाए हुए हो आए हुए हो तो अब हमारी आज्ञा से आप चले भी जाओ। तो भगवान से जैसे ही कहा कि आप हमारी आज्ञा से चले जाओ तो भगवान ने कहा, देख हम आपसे कह रहे हैं कि आप चले जाओ, लेकिन गोपिकाओं ने कह दिया कि पादौ पदम न चलत, बोले हमारे पैर चलाए से नहीं चल रहे। तो जैसे ही भगवान ने कहा कि आप चले जाओ तो गोपिकाओं ने उत्तर दे दिया कि हम चले तो जाएं लेकिन पादो पदम न चले। तो भगवान ने कहा फिर क्या होगा। तो गोपिकाओं ने कहा कि देखो आपके बुलाने से हम आए हैं तो अब आप ही हमें इसका निस्तारण करो और हमको यहां से आप वापस भेजो। जैसे ही भगवान ने कहा कि हमें वापस भेजो तो पैर चलते नहीं थे, तो भगवान ने कहा एक काम करो। बोले क्या। बोले एक हमारे निवेदन से आप हमें उस अमृत का पान कराओ जो इस धरा पर अमृत नहीं होता। जैसे ही भगवान से प्रार्थना किया कि उस अमृत का पान कराओ जो अब इस धरा पर नहीं होता, तो भगवान ने गोपिकाओं से कहा कि गोपिकाओं एक काम करो। बोले क्या। बोले आपको करना इतना ही है कि जो हम कहें वो आप करते जाओ। जैसे ही भगवान ने गोपिकाओं से कहा कि जो हम कहें सो करते जाओ, तो गोपिकाओं ने कहा देखो जब आपने हमारा चीर हरण किया था उस समय भी आपने यही बात हमसे कही थी
कि जो हम कहे वो आप करते जाए। तो आपके शब्दों को हमने वहां पर भी पूरा किया था। भगवान ने कहा जब वहां पर किया था तो आज भी आपको करना है। तो गोपिकाओं ने कहा कि प्रभु अब हम क्या करें? तो बोले जब हम अपना संग अपना साथ आपको दे रहे हैं तो उस साथ का आप सदुपयोग। भगवान कभी कभी किसी को साथ देते, और जब भगवान साथ दे एक क्षण मिले, आधा क्षण मिले, एक जिंदगी मिल जाए, तो उस क्षण का सदुपयोग कर लेना चाहिए। भगवान के साथ बिताया हुआ एक पल 100 जन्मों के लिए पर्याप्त। और कभी कभी हम लोगों को भगवान नित्य मिलते हैं और हम लोग जान नहीं पाते। गोपिकाओं को भगवान मिले तो भगवान ने जान तो लिया, गोपिकाओं ने जान तो लिया, पर जानने के साथ में भगवान को समझ नहीं पाई और उनके भीतर एक सौभाग्य मद प्रकट। जब गोपिकाओं के भीतर सौभाग्य मद प्रकट हुआ, उस सौभाग्य मद के कारण गोपिकाओं ने भगवान को थोड़ा हल्का समझ लिया। सोचा ये तो ग्वाले हैं, रोज गैया चराते हैं, रोज हमारे साथ रहते हैं, तो इनका क्या, इनको तो जब चाहे तब मना लेंगे, जब चाहे तब इनसे बात कर लेंगे। जब इस प्रकार की बात गोपिकाओं के मन में आ गई तो उस समय गोपिकाओं ने भगवान से कुछ थोड़ा सा अभिमान भरी बातें करी और सोचने लगी कि हमारे जैसा तो कोई इस धरती पर है। जब भगवान के समझ में आ गई कि गोपिकाओं को सौभाग्य मद हुआ, इनके मन में ऐसी बात आ गई कि हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो भगवान ने उनसे कुछ कहा नहीं, चुपचाप वहां से विदा हो। और जब भगवान विदा हो गए तो गोपी ढूंढती घूमती। अब आप सोचो कि भगवान चाहे तो क्या नहीं कर सकते। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, भगवान कुछ भी कर सकते। जो आप कर सकते हो वो भी भगवान कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते वो भी भगवान कर सकते हैं, जो ब्रह्मा जी कर सकते वो भी भगवान कर सकते हैं, और जो कोई दुनिया में नहीं कर सकता वो भी भगवान कर सकते। इसलिए गोपिकाओं ने कहा कि प्रभु आपको चाहिए क्या, आप हमको देना क्या चाहते हो? तो भगवान ने कहा कि हम तुम्हें अपनापन देना चाहते, अपना साथ देना चाहते और दिया भी, लेकिन आपकी बुद्धि में थोड़ा सा भ्रम। भगवान चाहे तो क्या नहीं दे सकते। भगवान ने गोवर्धन उठाया, भगवान ने कालिया नाग को मारा, भगवान ने अघासुर बकासुर इन सब दैत्यों का संहार किया, पूतना को मारो। किस लिए? क्योंकि हमारे ब्रजवासी ग्वाल बाल और हमारे भक्त सब स्वस्थ रहे। लेकिन जिनके साथ आप बहुत दिन व्यतीत करते हो, जिनके साथ आप रहते हैं, कभी कभी उनकी कीमत को हम लोग कम कर देते हैं। और जैसे उनकी कीमत को कम करते हैं तो घटना क्या घटती है, वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए और अपने होते हैं तो अपने भी अपनों से दूर हो जाए। तो हम सब लोग मिलकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमने अपने जीवन में बहुत सारी भूल की। कल सत्संग का विश्राम यहीं पर हुआ था, इसी बात से हुआ था कि हमने भी जीवन में बहुत सारी भूल किया, और उन भूल के चलते हमारी बुद्धि पर जो अज्ञानता का, जो भ्रम का पर्दा पड़ गया है, उस अज्ञानता और भ्रम के पर्दे को हमें दूर करें। अज्ञानता और भ्रम, ये दो ही चीजें हैं। और जीवन को ठीक कैसे किया जा सकता है? दो ही चीजों से, एक तो ज्ञान से यानी नॉलेज से, और दूसरा संयम से यानी डिसिप्लिन से। तो ज्ञान हो और डिसिप्लिन हो, यानी नॉलेज हो और नॉलेज के साथ साथ डिसिप्लिन हो, तो हमारा जीवन और बेहतर हो जाए। भगवान गोपिकाओं के पास से जब अलग हुए तो गोपिकाएं भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, जयाति तेधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रही
श्रयत इंदिरा शाश्वत। हे प्रभु, आपके प्रेम के कारण, आपके प्रेम के कारण लक्ष्मी जी ने वैकुंठ का त्याग कर दिया, और उस वैकुंठ के त्याग करने में, हे प्रभु, जब वैकुंठ का त्याग कर दिया तो हे मेरे परमात्मा, वो लक्ष्मी जी यहां आकर के नित्य निवास करने लगे। वो ऐसा निवास, कहते हैं परमात्मा, लक्ष्मी जी यही विहार कर रही हैं, आपको छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते। तो भगवान ने कहा कि गोपी, तुम लक्ष्मी जी से अपनी तुलना क्यों करो? लक्ष्मी जी केवल महत्व देखने के लिए आई थी कि इस धरती पर भगवान किस रूप में रहेंगे और कैसे उनका यहाँ जीवन यापन होगा। सबसे पहले वो ब्रज रज लेने के लिए आए। भगवान से जैसे ही उन्होंने ये प्रार्थना किया तो गोपी कहने लगी, महाराज, हम तो बिना पढ़े लिखे जानते नहीं, अज्ञानता से भरे हुए हैं। आप तो ज्ञानी, आपको तो सब पता है, और हमारी अज्ञानता के कारण यदि हमारी बुद्धि पर पर्दा पड़ गया तो इसे आप ठीक क्यों नहीं कर देते? भगवान एक क्षण सोचते हैं और भगवान अंतर ध्यान है और वहीं से उपदेश करते हैं मन ही मन की। देखो, एक बार तो हमने जब आपका वस्त्र हरण किया था, चीर हरण किया था, तब तो हमने आपको सिखाया कि गोपी, ये शरीर एक वस्त्र ही तो है, वासांस जीर्णान यथा विहाय, और यह वस्त्र ही आपको अभिमान दिलाता है, आपको ईर्ष्या दिलाता है, आपको क्रोध दिलाता है। सारे नाते शरीर के ही तो है, और जब हम शरीर के नातों के कारण, अपमान शरीर का होता है ना कि आपकी आत्मा का। आपने बड़े सुंदर कपड़े पहने, किसी दावत में गए और किसी ने कुछ कह दिया, बस मुंह लाल हो जाता है। भगवान कहते हैं ये शरीर तो एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, तो फिर इसका वृथा अभिमान किया। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते। संत बताते हैं कि लोग सोचते हैं कि अभिमान हमारे जीवन का बहुत उपयोगी भाग नहीं है। मनुष्य का पतन काम से, क्रोध से उतना नहीं होता जितना अभिमान से हो जाता। तो हमें उस अभिमान से दूर रहना है। गोपी कहती, प्रभु, हमने तो आपको उस रूप में देखा है जहां आप गैया चराने जाते थे, लौट कर आते थे, और हम आपके साथ रहते थे। भगवान कहते हैं सब बातें ठीक हैं, पर अभी के लिए ये दवा बहुत जरूरी है। भगवान कभी कभी मनुष्य को औषधि प्रदान, कभी कभी आपने देखा होगा, जो हम लोग सोचते हैं वैसी कोई घटना नहीं घटती, जो वैसी घटना नहीं घटती तो हमारे मन में क्या, ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा। उस समय भगवान हमारे मन और बुद्धि को रिपेयर कर रहे होते, एक तो रिपेयर कर रहे होते हैं, दूसरा प्रिपेयर कर रहे हैं। ये दोनों काम चल रहे हैं, एक तैयार कर रहे हैं, एक शुद्धि भाव। अब शुद्धि भाव के लिए क्या जरूरी है? शुद्धि भाव के लिए दुख जरूरी है, ग्लानि जरूरी है। जब हमें अपने किए हुए कर्मों पर ग्लानि और पछतावा होता है तो भगवान फिर पूरी कृपा करते हैं, क्योंकि ग्लानि और दुख जब आंसू भीतर से आते हैं तो हमारा मन एकदम शुद्ध हो जाता है। पर भगवान कहते हैं कि जब हमारा मन शुद्ध हो जाता है तो उस शुद्ध मन में परमात्मा कहते मेरी कृपा उतरती है। बिना शुद्धि के परमात्मा की कृपा नहीं उतरती। अब हमें मन को शुद्ध करना है तो उस मन को शुद्ध करने के लिए दो रास्ते हैं, या तो दुख आवे तो हम रोवे और रोते रोते हमारा मन ठीक हो जाता है। आप देखते हैं जब दुख होता है और व्यक्ति रोता है तो उसका मन कैसा पवित्र होता है, सोचता है अब हम किसी को दुख न दें,
अब दुख नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही फिर सुख आता है तो क्या करता है, उस सुख के आते ही वह व्यक्ति फिर वही काम करता, उतना ही काम जो पाप पहले करता था वो अब फिर शुरू कर दे। संतों ने तो बताया है कि सुख में और दुख में दोनों तरह से परमात्मा को हमें याद करना, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को हो। हमारे जीवन में दुख और सुख आता ही इसीलिए है कि हम किस तरह से अपने जीवन को अच्छा कर सके, सफल कर सके। तो भगवान ने गोपिकाओं से कुछ कहा नहीं, मौन धारण कर लिया। तो गोपी बोली, प्रभु शरदुदासे साधु जात सरस जोदरा श्री मृषाम दशा सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किं वधा वरद निघ्न तो नेह किं वधा। हे प्रभु, हम तो आपकी वो दासी है जो आपके लिए सर्दी गर्मी बरसात सब जगह आपके लिए समर्पित रहे, फिर हमारे साथ प्रभु आपका ऐसा व्यवहार क्यों? भगवान कहते हैं कि हमने आपके साथ जो कुछ भी किया उस करने में केवल आपका उपचार शामिल, कोई विशेष कार्य हमने नहीं किया, केवल आपका उपचार शामिल। गोपी इस बात को समझ नहीं पाते, कभी कभी हम लोग भी इस बात को समझ नहीं पाते। हमें इस बात को समझने के लिए केवल भगवान की करुणा भरी दृष्टि को दर्शन करें। देखो हम रोते तो दिन रात, हे भगवान ये नहीं किया, हे भगवान ऐसा नहीं हुआ, हे भगवान ऐसा हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता, हे भगवान ऐसा हो जाता तो ज्यादा अच्छा, रोते तो हम दिन रात, पर उस रोने के पीछे उस रोने के कारण को हम ढूंढ नहीं। आपको इसे उदाहरण के द्वारा समझना पड़ेगा, हमारा आपका संवाद भी होगा, बात भी होगी और कुछ चर्चा परिचर्चा भी हमारी आपकी। तो उस चर्चा परिचर्चा का मुख्य भाग क्या रहेगा? पहली बात तो ये हमारी आपके चर्चा के बीच रहेगी कि आखिर ये हमारी जो उलझन है वो अचानक आ गई क्या, आज ही प्रकट हुई, आज चिल्लाना शुरू कर दिया ऐसा नहीं हो रहा ऐसा नहीं हो रहा, अब क्या करें अब क्या करें? नहीं, भगवान कहते हैं जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलियते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणा वै अभिपद, हम अपने कर्म के कारण ही सुख और दुख को आमंत्रित करें। बहुत से लोग कहते हैं हम इतनी पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, इतनी सारा काम करते हैं, लेकिन फिर भी दुख आ जाए। भगवान कहते हैं पूजा करना बहुत अच्छी बात, पूजा करनी चाहिए, लेकिन वह पूजा करते करते आपके जीवन में जब आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते आप एक नीम का बीज ले आए और नीम का बीज ला करके उसे जमीन में बो दे। जैसे आप बीज को जमीन में बोएंगे तो घटना क्या घटेगी, आप जैसे ही जमीन में नीम का बीज बो दें उसके बाद खूब मंदिर में घंटा बजाएं और घंटा बजा करके भगवान को मनाएं और भगवान को मनाते हुए खूब हवन करें, पूजा पाठ सब चलता रहे। जैसे ही ये सब आप करते रहेंगे, करते करते घटना क्या घटेगी, एक साल बीतेगा, छह महीना बीतेंगे,
तो फिर उसमें किस चीज का पेड़ निकलेगा? पेड़ तो केवल वही निकलेगा जो हमने कर्म का बीज बोया है, और इसके अलावा कुछ निकलने वाला नहीं। आज द्वितीय दिवस, कल चर्चा हो रही थी कि हमने अपने जीवन में कुछ ऐसा कर्म किया है जिसकी हमें ग्लानि है, और संभवतः आपने उसे कागज पर लिख लिया कि हाँ, हमने पिछले दिनों, पिछले वर्षों, पिछले महीनों ये काम ठीक नहीं किया, और उस ठीक काम न करने की वजह से हमारे मन में इतनी सारी ग्लानि है। कभी आपने कोहरे को देखा होगा, कोहरे के कारण से वो बादल के पीछे जो भगवान सूर्य नारायण है उनका प्रकाश धरती तक नहीं पहुंचता। तो जब ऐसा धरती तक प्रकाश नहीं पहुंचता, तो हमें उस समय परमात्मा से ये पूछना, ये प्रश्न करना चाहिए कि प्रभु ये कोहरा क्यों, और उस कोहरे में हमारा ये सूर्य तक ना पहुंचना या सूर्य का हम तक ना पहुंचना, इसके बीच में कौन सी चीज बाधा? भगवान ने कई जगह पर लिखा है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम और तेन मुह्यन्ति जनता। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जनता, कि हमारे जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी घटना घट रही है, वह केवल किसी न किसी कर्म, और ठीक कर्म को न जानकर गलत कर्म को कर देने, गलत कर्म का बीज बो देने से। हम क्या कह रहे हैं, गोपी कहती है कि प्रभु अब तो हम आपकी दासी हैं, और कैसी? बोले बिना मोल की, कोई पैसा नहीं चाहिए, शुल्क दासी का, हम आपके अशुल्क दासी, हम आपसे कोई रुपया धन पैसा कुछ भी नहीं मांग रहे। पर भगवान एक काम करो ना, एक बार हमें दर्शन दे दो। जैसे ही वो गोपी भगवान से कहती है कि हमें आप दर्शन प्रदान करो, हमारे जीवन में कुछ हो जाए, फिर मिल जाओ। बिछड़ना, मिलना, बिछड़ना और मिलना, ये भगवान कहते हमारे यहाँ अलौकिक रीति है, और उस रीति से हम अपने भक्तों को अपनी भक्ति का दर्शन करा। गुप्त के प्रभु शरद उदास है साधु जात से। हे प्रभु, हमने आपके लिए क्या नहीं किया? सब कुछ तो किया, पूरा जीवन ही आपको अर्पण कर दिया, और उस अर्पण करने में हे प्रभु, अब आपको थोड़ी हम पर दया भी नहीं आती? अगर आप मारना चाहते हमें, तो कोई तीर से, तलवार से, त्रिशूल से, बाण से मार देते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने तो एक बार हमें देखा, वरद निघ्न तो नेह किम वदा, और आपने अपने नेह से, आपने अपने प्रेम से हमारा वध कर दिया, ऐसा लगता है। अब भगवान भला किसी को नेह से क्यों मारेंगे, प्रेम से क्यों? गोपी कह रही है कि हे प्रभु, विष जला पिया द्वाल राक्षसा। हे प्रभु, हमने बहुत कुछ देखा आपके साथ, जैसे सारी दुनिया जंगल में जब आग लगी तो आपने अग्नि का पान कर लिया, जो योद्धा आए उन योद्धाओं को आपने मार दिया, सब कुछ तो आपने हमारे लिए ही किया, लेकिन अब आप हमसे अलग क्यों? तो हमने कल भी ये चर्चा किया था और आज भी ये चर्चा कर रहे हैं, यदि परमात्मा हमारे आपसे दूर है, हमारे स्वजन, हम तो ये कहें हमारा पड़ोसी हमसे दूर क्यों? बाहर वालों की बात छोड़ दे, हमारा पड़ोसी हमसे दूर क्यों? कभी कभी व्यक्ति अपने भीतर झांक कर नहीं देखता और पड़ोसी की ओर देख, वो ठीक नहीं है। ये सारी दुनिया, ये जितने भी लोग हैं, सब ठीक हैं। अगर कोई बुरा है तो वो हमारा कर्म, और उस कर्म से एक कदम हमें पीछे चल, कर्म अचानक नहीं आता, कर्म आने से पहले कर्म का विचार आता है। आदमी सोचता है, अरे ऐसे कैसे गड़बड़ हो गई? गड़बड़ नहीं, जब हम किसी कर्म को करने के लिए जाते, उस कर्म को करने से पहले वो विचार आ जाता है, और जैसे ही वो विचार आता है, वो विचार ही हमारे कर्मों को कर रहा है, कर्म से ही हमारे विचार।
और विचार से ही कर्म। और जब आदमी दुखी होता तो क्या कहता, देखो अब हम पैसा भी नहीं लेंगे, तुम्हारा काम भी पूरा करेंगे, हमसे काम करवा लो। व्यक्ति क्या कहता, नहीं, हमें काम नहीं कराना। बोले क्यों? बोले अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं, प्रेम समाप्त, अब तुम अपने घर और हम अपने। ईश्वर बहुत सरल तत्व है और भगवान को पाने के लिए, हमें भगवान तक पहुंचने के लिए अपने मन को बहुत सरल बनाना, बहुत सरल बनाना, इतना सरल जितना सरल पानी है, उतना सरल जितने सरल ये खिलने वाले पुष्प है। और हम कैसे बने हैं? भगवान कहते थोड़ा जटिल। तभी तो अर्जुन को बताया कि अर्जुन सुन, मैं तुम्हें ऐसा उपदेश करता हूं, ऐसा उपदेश करता हूं कि तुम्हारी बुद्धि की जटिलता निकल जाए। अर्जुन की बुद्धि में बड़ी जटिलता है और ऐसी जटिलता को भगवान ने कुछ क्षण में ही ठीक कर दी। अर्जुन के भीतर तीन जटिलता थी। एक तो उसे अपने बल के ऊपर, पौरुष के ऊपर अभिमान था। दूसरा ज्ञानता थी, वो ठीक तरह से सामने वाले की चालों को, सामने वाले की शक्ति को समझ नहीं पाए। और तीसरा हमेशा जल्दी में रहता था। हम में से भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, एक तो सामने वाले की शक्ति को नहीं समझ पाते, सामने वाले के प्रेम को नहीं समझ पाते, दूसरा कभी कभी उनको अपने पौरुष के ऊपर अभिमान रहता है कि हम तो बहुत सुंदर काम कर सकते हैं, बहुत सुंदर काम कर सकते हैं, हमारे जैसा तो कोई नहीं। और तीसरा वो जल्दी में रहते हैं, अगर भोजन आ जाए तो अगर कोई बताए ना तो वो गरम गरम खाते हैं और मुंह जला लेते हैं, अपना ही मुंह अपने हाथों से जला लेते हैं। क्यों? बोलो जल्दी में थे। इसलिए गोपी भी जल्दी में थी। उसने सोचा भगवान ऐसे थोड़े चले जाएंगे, भगवान तो सदा हमारे साथ रहने वाले हैं और हमको छोड़कर वो कहाँ जाएंगे। तो जब भगवान चले गए तो उनका मोल पता चला, और जब उनका मोल पता चला तब तक देर हो चुकी थी। और देर के बाद गोपी कहती, प्रभु सूरत नाथ ते अशुल्क दासिता, हे प्रभु हम आपके बिना मोल की दासी, भगवान हम पर कृपा करो, हमने तुमसे कुछ मांगा नहीं है। क्यों मार दिया? तो हम दो बातों को ठीक से समझ लें कि एक तो हमारा भगवान क्या है। देखो सबका भगवान अलग अलग, किसी का भगवान कृष्ण है, किसी के भगवान राम है, किसी के भगवान शिव है, किसी की दुर्गा है, किसी का पैसा है, किसी का जस भगवान है, किसी की पत्नी भगवान है, किसी के माता पिता भगवान। तो अब आपको ये निश्चित करना है कि आपका मुख्य भगवान क्या है जिसे आप पाना चाहते हैं। देखो गोपिकाओं को और कुछ पाना नहीं था, गोपिकाओं को केवल भगवान को ही पाना था, इसलिए गोपिकाओं की कौन, भगवान ही इष्ट हो गए। रावण को कुछ और पाना नहीं था, रावण को भी केवल भगवान राम से ही अपना शरीर समाप्त कराना था, इसलिए रावण के भी भगवान कहीं ना कहीं श्री राम। और इसलिए उन्होंने माँ सीता जो भक्ति का स्वरूप है उनकी शरण लिया, उनको लेकर अपने घर आए, क्योंकि भक्ति न लाता तो भगवान कैसे ना? मूल में तो भगवान के, शिशुपाल के भी मूल में वैर वृत्ति में ही सही, पर परमात्मा, प्रहलाद ध्रुव जिनको भी हम देखे, ध्रुव सगिलान जपे हु हरि नाम पाए हु अचल अनुपम। तो 7 दिन की इस यात्रा में हमें एक बात तो आज जो लिखने वाली है, कल आपने क्या लिखा था कि हमने अपने वर्ष भर में कितने लोगों का मन दुखी किया या किसने हमारा मन दुखी किया, ये दोनों घटनाएं, और दोनों घटनाओं से दुख केवल आपके भीतर होता है, सामने वाले के भीतर है कि नहीं पता नहीं। आप किसी को गाली दो और वो मुस्कुरा दे, हम किसी को अपशब्द कहें और वो हंस दे और कहे कि भाई साहब हमें आपकी गाली नहीं चाहिए, आपकी आपको मुबारक,
तो फिर जो गाली देता है या गुस्सा करता है उसका हाल कैसा होता? वो दुगना लाल हो जाता, आग बबूला। किसी पर आप गुस्सा करो और गुस्सा करने वाला मुस्कुराते, बोले भाई साहब हमें आपकी गुस्सा समझ में नहीं आ रही, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? तो वो दुगना। तो गुस्सा करने वाला भी क्या अपेक्षा करता है कि हम जब गुस्सा कर रहे हैं तो या तो ये डरे या तो ये लड़े। अगर वो ना डरता है ना लड़ता है, ऐसी स्थिति में गुस्सा करने वाले का गुस्सा दुगना हो जाता है। आप विचार करो कि जो गुस्सा है, जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, ये हम जलाता तो हम ही को है। आप विचार ये देखो कि जब माचिस यानी दिया सलाई जो होती है किसी को जलाने जाती है, जब मानो आप किसी पर गुस्सा करने जा रहे हैं, तो जब आप गुस्सा करने जा रहे हैं तो क्या करते हैं? पहले गुस्सा को अपने भीतर भरते हैं, फिर दूसरे पर उलटते हैं, तो वह गुस्सा तो हम ही को जलाती। दिया सलाई जब किसी को जलाने जाती है ना, तो पहले उसी का मुंह जल जाता। तो हम किसी को जब दुखी करने जाते हैं तो पहले तो अपने को ही पूरा तैयार करते हैं ना, इसको ये शब्द बोलेंगे तो ये दुखी हो जाए, ऐसा बोले कि ये दुखी हो जाए, और वो दुखी ना हो तो ये हम ही को दुख देता है। जितना भी सुख है हम ही को आनंद देता है। सुख और दुख बाहर से नहीं है, सुख और दुख सब अपने पास ही हैं। जितने भी लोग, सुख और दुख सारा हमारे पास। सुख और दुख के लिए हमें कहीं अलग नहीं जाना, सुख और दुख हमारे पास बिना बुलाए सहज आ जाते, और बिना बुलाए जो चीज आ जाए उसे भाग्य से, उसे परमात्मा की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए। और गोपी इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाई। जब गोपी स्वीकार नहीं कर पाई तो ऐसी स्थिति, गोपी ने सबको बुला करके समझा कर यही कहा, चलो हम अपनी भूल को स्वीकार करें, और स्वीकार करके चलकर भगवान से कहें, प्रभु अब मान जाओ। भगवान को मनाना नहीं है, भगवान तो माने मनाए हैं। लोग सोचते हैं कि भगवान मिल जाए तो, एक भगवान मिल जाए तो हम ये काम करवा लेंगे। जैसे किसी घर में सब्जी ना आई हुई हो तो भगवान से क्या कहता है, हे प्रभु कोई सब्जी लाने वाला भेज। बिजली चली जाए तो भी उसके मन में क्या बात आती है कि बिजली भगवान लेकर के आ जाए। धन खत्म हो जाए तो धन लेकर भगवान आ जाए। कोई काम बिगड़ रहा हो तो काम भगवान बना दे। तो हमारा कहने का भाग ये है, क्या भगवान हमारे सारे कार्य को सिद्ध करने के लिए है, या भगवान प्रेम तुल्य भक्ति तुल्य हैं, जिनको केवल भक्ति देना चाहिए, केवल प्रेम देना? तो तीन प्रकार के साधक इन गोपिकाओं में भी बताए। जब भगवान के सामने ये गोपिकाएं वस्त्र मांगने गई, तो वस्त्र मांगते समय उन गोपिकाओं से भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, प्रभु देह वासांस धर्मज्ञ नोचेत राज्ञे ब्रुवामहे। हे प्रभु हमें आप वस्त्र दे दो। ये गोपिकाएं भी इसमें चार प्रकार की बताई गई। एक तो वो जो धर्म की दुहाई देती हैं, धर्म पर चलने वाली, कौन? देह वासांस धर्मज्ञ, यानी जो धर्म पर चले, यानी धर्म की बात बताएं, ऐसी गोपिकाएं भक्ति भाव से भरी। इसमें ब्राह्मण भी हो सकते हैं, वैष्णव भी हो सकते हैं, ऐसी भी गोपी भगवान के पास। दूसरी, देह वासांस धर्मज्ञ नोचेत राग्रे भुवा में। दूसरी कौन है? वो शिकायत करने वाली। अब आप अपनी गणित कर लेना कि भगवान के पास हम जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हे प्रभु देखो धर्म तो ये कहता है ऐसा होना चाहिए। दूसरा शिकायत करती है कि प्रभु ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं। तो भगवान कहते हैं आपकी स्वभाव में, और भगवान न मंदिर न मस्जिद न गुरुद्वारे, वो तो सब साधन हैं। आपके मन के भीतर, आपके हृदय के भीतर भगवान को जगाने के। वही गंगा जी में लोग स्नान करते हैं, उनको पुण्य मिलता है, और उसी गंगा जी में लोग कपड़े धो लेते हैं। उसी तो हमें
मुख्य रूप से आज द्वितीय दिवस है। कल हमने यह प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हमारे जितने भी साल भर में, 2 साल में, 10 साल में कितने मनों को बिगाड़ा, कितने लोगों से वचन दिया और उसे पूरा नहीं किया, एक कितने लोगों को वचन दिया और उसे तोड़ दिया, और कितने लोगों के साथ हमने सरलता से अपनी प्रस्तुतिकरण नहीं किया, कहीं ना कहीं बनावट रखी। किन किन लोगों के साथ हमने अभिमान से व्यवहार किया और किन किन लोगों के साथ हमने अपमान से व्यवहार किया, ये कल कागज पर आपने लिखा होगा और अपने पास ही रखना, क्योंकि इन 7 दिनों में हमें श्रीमद् भगवत कथा में जो भी हम तत्व का दर्शन कर रहे हैं, उन तत्व के दर्शन के साथ हमारे मन में बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाए जैसे मालूम हो कि अब कुछ नहीं, हे प्रभु आपके कारण ही हमारा मन बिल्कुल निर्मल हो, बिल्कुल निर्मल। 7 दिन की इस यात्रा में हमें भगवान के सन्मुख ऐसी गोपी बनना है जिसे अपनी भूल की भान हो जाए, भूल की याद आ जाए कि हे प्रभु हमने भूले तो बहुत किया। भगवान कहेंगे हाँ, बोले हमने भूल तो बहुत किया, पर प्रभु अब आप कृपा करके हमारी भूल को क्षमा कैसे करोगे, हमारी भूल सुधार कैसे करोगे। भगवान के हाथ में 2 चीजें हैं, एक तो आपकी भूल को सुधार कर सकते हैं और दूसरा आपकी भूल को क्षमा कर सकते, दोनों भगवान के हाथ में चीजें हैं। या तो आपकी भूल सुधार करेंगे अर्जुन के जैसे, अर्जुन को डांट लगाई और कहा कि तुम भूले चल रहे हो और उस भूले चलने में तुम्हारा काम बिगड़ गया, इसलिए तुम्हें मैं डांट कर, समझा कर, ज्ञान देकर, श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन ने प्रवेश किया तो वो विषाद योग, दुखी था, दुखी होकर भगवान के पास आए, प्रभु न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि चा किमनु राज्येन गोविंद किम भोगैर् जीवितेन वा। हमारे भीतर ग्लानि है, निराशा है, दुख है, तो भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। बोले फिर बोले एक काम करो, आप ऐसी जगह चलो जहां आपको समझाया जा सके। भगवान रण क्षेत्र के बीच में अर्जुन को समझा, एक एक बात को समझाया, ज्ञान दिया, भक्ति बताई, भक्त के लक्षण बताए, और इतना सब बताते बताते भगवान ने अर्जुन को मोह रहित कर दिया। और अंत में भगवान ने अर्जुन से पूछा कि अर्जुन ये बताओ कि तुम्हारे भीतर अब कैसा है, तो अर्जुन कहने लगे प्रभु नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मैं, हे प्रभु आपकी कृपा से अब हमारा मोह नष्ट हो गया। तो भगवान की कृपा से हमारा भी अज्ञान नष्ट हो जाए। वास्तव में हम लोग चाहते क्या है, उस चाहत को, उस भगवान के प्रसाद को ये निश्चय करना हमारे आपके हाथ में ही है, क्योंकि अगर हम न करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो कल का कागज पूरा और आज का कागज फिर बनना शुरू होगा। तो कल का कागज जिन जिन लोगों ने बना रखा है तो वो तो भगवान की सभा में सब लोग बैठे हैं, तो आज हम लोग फिर से एक क्रम करेंगे जैसे हम लोगों ने कल एक क्रम किया था। उस क्रम में ऐसी चर्चा आई थी कि जिन जिन लोगों के मन में किसी साल भर में कुछ हमने भूल किया हो तो हम लोगों को हाथ उठाना है और उन बातों को फिर से लिख लेना है, और यह सप्त दिवसीय जो सत्संग है उनको, जो भी लोग देख रहे हैं, हमें नहीं पता कौन कौन कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, और जो जो लोग भी इसे देख रहे हैं, तो उनसे एक ही निवेदन है कि बिना प्यास लगे किसी को कुछ देना नहीं चाहिए। आप लोगों ने प्यास जगाई और आप लोग यहाँ पर आए और आकर के यहाँ सुंदर सत्संग सुना, देखा, समझ में आए, तो इसे एक व्यक्ति को आगे बढ़ा, एक व्यक्ति को। एक व्यक्ति प्यासा था तो एक पानी देने वाला आया, तो गर्मी का दिन था तो उसने पूछा कि पानी पीना है, उसने कहा हाँ,
जिसे पानी दिया घटाघट पी गया। दूसरे के पास गया, पड़ोसी अखबार पढ़ रहा था, उससे पूछा कि आपको जल पीना है? तो उसने पूछा कि जल कहाँ से लाए? तो उसने बताया कि हम एक सरोवर से लाए। अच्छा, पास वाला सरोवर है कि दूर दूर वाला सरोवर? तो बताया कि जो पास में सरोवर है वहां से। उसके बाद लाने के बाद क्या घड़े में रखा था कि ऐसे ही पिला रहे? तो उसने बताया घड़े में रखा। ठीक से ढका था कि नहीं? बोले हाँ ढका तो था। बोले तुमने हाथ डाल दिया हो? वो मुस्कुराया और उसके पास से चला गया। तो उसने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले आपको प्यास नहीं है, अगर आपको प्यास होती तो आप इतने प्रश्न नहीं पूछते। जिनको प्यास है वो प्रश्न नहीं पूछते हैं, वो जैसा भी जल मिलता है तत्काल ग्रहण करते। तो जितने भी लोग हैं इस संसार में, उन लोगों को भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो। प्रेम जागृत होने का अर्थ केवल इतना ही है कि हम लोग जितने भी प्रेम भाव को दुनिया में बिखेरते हैं, फैलाते हैं, तो उस प्रेम भाव के कारण, भक्ति के कारण कुछ लोग भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं। फिर जब उनसे दूर होते हैं तो एक ही प्रार्थना करते हैं, प्रभु सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका वरदनी न तो नेह क्यों वधा। हे प्रभु, आपके हम सब लोग अशुल्क दासी, आपकी वो दासी हैं जिस दासी को कोई मोल नहीं चाहे। तो भगवान ने कहा मोल तो हमने ले लिया, आपको पता नहीं है? आपसे भी भगवान ने मोल लिया और हमसे भी भगवान ने मोल लिया। हमने अपना समय भर दिन में जहां जहां हम गए, आज कई जगह हमारा जाना हुआ जहां सत्संग की गोष्ठी थी, उन सत्संग के चलते मैंने सुबह से आज 11 बजे से लेकर रात 7:30 बजे तक टेलीफोन को हाथ नहीं लगा पाया। ये तो अच्छी बात है। तो 3-4 जगह आज जाना रहा भर दिन में। तो उन गोष्ठियों में ये चर्चा हुई कि राम चर्चा को आगे कैसे बढ़ाया जाए। राम काज किन्हें बिन मोही कहां विश्राम। 7:30 पर आना हुआ, झटपट हमारे कैमरे वाले भैया आए, आनंद फानंद में तार जोड़ा और ये शुरू हो गया। तो बड़ी अच्छी बात, भगवान कहते हैं कि राम काज किन्हें बिन मोही कहां विश्राम। भगवान कहने लगे कि देखो हमने शुल्क तो ले ही लिया, भले तुम कहो कि अशुल्क दासी का, लेकिन हमने तो शुल्क ले लिया। तो गोपी समझ नहीं पाए कौन सा शुल्क लिया। भगवान कहते मैंने वो शुल्क लिया है कि आप अपने समय को निकाल कर आप यहां आए। सबसे बड़ा दान क्या है, सबसे बड़ा शुल्क क्या है पता है? सबसे बड़ा शुल्क है जब आप किसी को धन देते हैं, वो बहुत बड़ा शुल्क नहीं है। आपने 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए दे दिया, कोई शुल्क, ये कोई मोल नहीं। जब आप किसी को अपना समय दे दे तो सबसे बड़ी कीमती चीज कौन सी है? समय। पैसा तो कोई निकाल कर जेब से फेंक देता है, ले जाओ, उससे भी कीमती चीज है समय। देते देते कब आप उसे प्रेम का दान करें? तीसरी चीज है कब आप उसे अपनी करुणा का दान करें? भगवान अपनी करुणा का दान कर रहे हैं और हम लोगों से केवल समय मांग कि समय मिल जाए तो हमारे जीवन का सब कुछ अच्छा। भगवान कहते समय मई एव मन आदत्सा मई बुद्धि निवेश निवशिष्यसि मई एव अत ऊर्ध्वम न संचय। पूरा 1 घंटा हो गया और 1 घंटे में हमने कुल 2 चर्चाएं किया। हमें अपने जीवन को शिकायतों से मुक्त करना है। गोपी 2 तरह की, एक धर्म की दुहाई देती है, दूसरी शिकायत करती। भगवान कहते हैं तुम शिकायत क्यों करते हो? कर्म तुमने किया, विचार तुम्हारे भीतर आया, क्रियाशील तुम हुए, हानि लाभ क्या मैं सहूंगा? भगवान कहते हैं ये तो तुम्हें ही सहना है। और कर्म करने से पहले विचार, और विचार करने के बाद परामर्श, परामर्श करने के बाद कर्म, और वह कर्म अगर, और सबसे बढ़िया आपको बात बताए, यदि आप कहीं युद्ध करने जा रहे हो, लड़ाई करने जा रहे हो, किसी कहीं पर सभा में जा रहे हैं और कुछ
काम करने जाएंगे तो अपने कम से कम 10 साथी बना लेना चाहिए, 10, और 10 साथियों के साथ लड़ाई करने जाए। कोई भी युद्ध हो, घर का युद्ध हो, परिवार का, बाहर का, लोग आपके ऊपर कभी हंसेंगे नहीं। क्यों? अगर जीत होगी तो सब साथ, और हार भी गए बोले 10ों साथ में थे तो 10ों हारे ना, हम अकेले थोड़ी हारे, तो लोग हंसेंगे भी नहीं। भगवान कहते हैं कि हे गोपिकाओं, तुम्हारे जीवन में, गोपी कहती प्रभु हमें अब ऐसा लगता है कि अशुल्क दासिका, हम आपकी अशुल्क दासिका, कोई पैसा नहीं मांग रहे, कुछ भी नहीं। भगवान ने कहा वो तो शुल्क हमने ले लिया। बोले क्या? आपके आंसू। भगवान कहते हैं ये सबसे बड़ा शुल्क है, इस शुल्क के आगे सारे शुल्क अधूरे हैं। भगवान कहते हैं वो सारे शुल्क छोटे हैं। जब व्यक्ति जीव को अपना समय दान कर, तो जिन लोगों ने आज समय दान किया है, कल फिर वो समय दान करें, और उन समय की बड़ी कीमत है। तो आज हम लोग क्या काम करने वाले हैं? सबसे उत्तम काम है अपने जीवन में उस चीज को हमें लिखना है जिसमें हम अपने जीवन की भूलों, अपने जीवन की भूलों को हमें आज चिट्ठी के रूप में लिखना है। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा। हमारे बीच शर्मा जी, मालती भदौरिया जी, एस वाजपेयी जी, राकेश सिंह चौहान जी, श्यामाकांत उपाध्याय जी, और बहुत सारे जिन्होंने अपने कैमरे नहीं खोल रखे, वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो बड़ा सुंदर भाव आज गोपिकाओं के बीच द्वितीय श्लोक को हमने चिंतन किया, मनन किया, और अब हम गोपाल भैया से आग्रह करेंगे कि सबके माइक खोल दें। और उस माइक को खोलने के बाद 5 मिनट का समय इसलिए है कि कोई अगर प्रश्न हो गोपी गीत के बारे में, अपने मन के बारे में, तो हम उसका चिंतन कर लें, और चिंतन करने के बाद फिर हमें आगे की यात्रा पर चलना है। क्योंकि 6 फरवरी से आज उनकी भी कई 4-5 जगह चर्चा हुई। 6 फरवरी से चित्रकूट में श्री राम कथा है, और उसका भी बीड़ा हमारे केस वाजपेयी जी ने उठा रखा है। दो लोगों से आज सार्थक वार्ता हुई है, तो वो लोग अपने मनोयोग से, तन मन धन से वहां जाएंगे, और कुछ व्यवस्थाओं में, क्योंकि जो भी ये धर्म के कार्य हैं, इन धर्म के कार्य में जब तक ज्यादा लोग नहीं लगते हैं, तब तक वो धर्म का कार्य पूरा नहीं। कोई भंडारे का काम हो, कोई यज्ञ का कार्य हो, उसमें कम से कम 20 से 25 लोग लगे तो वो कार्य सार्थक हो। तो आज 5 मिनट हम लोग ये चिंतन करेंगे। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, आज कुसुम गर्ग जी भी सूरत से वापस आ गई हैं सत्संग करके, तो बहुत अच्छे भाव से हमारे शर्मा जी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हम सब लोग सुनेंगे। जी, बड़े ही सुंदर ढंग से आज की चर्चा में गुरुदेव आपने जो बताया, मन को जो अभिमान मन के अंदर आ जाता है वो कैसे दूर होगा, भगवान से कैसे प्रार्थना होगी, और अब जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर गुरुदेव से कोई प्रश्न पूछना चाहें तो वो पूछ सकते हैं, माइक सबके खुले हुए हैं। बाकी भाई साहब आप कुछ कहना चाहें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं तो यदि गुरुदेव आज्ञा दें तो फिर प्रार्थना ही कर लें। जी, अगर बिल्कुल कोई बिल्कुल। प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। कुछ लोगों के प्रश्न व्यक्तिगत भी हो सकते हैं, तो व्यक्तिगत प्रश्न के लिए अब हम यहाँ पर इस समय हैं, तो लगभग 10-15 मिनट के बाद हम भी फ्री हो जाएंगे। फिर जिन लोगों की दिन भर में काल आई है, उनसे फिर व्यक्तिगत वार्ता भी करेंगे,
क्योंकि आज का पूरा दिन यूं ही व्यतीत हो गया है। विश्राम के लिए प्रार्थना प्रार्थना का। कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सुखी बसे संसार सब, दुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा है प्रभु हम सबकी पूर्ण होए, ये अभिलाषा है प्रभु हम सबकी पूर्ण होए। विद्या बुद्धि धन धान्य से, विद्या बुद्धि धन दान से, वंचित रहे न कोई, वंचित रहे न कोई, ये अभिलाषा है प्रभु हम सबकी पूर्ण होए, ये अभिलाषा है प्रभु हम सबकी पूर्ण होए। भाई बहन और भक्तजन, भाई बहन और भक्तजन, स्वस्थ रहे सब कोई, स्वस्थ रहे सब कोई, ये अभिलाषा है प्रभु हम सबकी पूर्ण होए, ये अभिलाषा है प्रभु हम सबकी पूर्ण होए, हम सबके पूर्ण होए।